नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस कंप्यूटिक्स लैब यूट्यूब टेक्निकल चैनल में। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको ये बताने वाला हूँ कि बहुत सारे जो BPSM एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के लोग हैं, कैंडिडेट हैं, जो दरभंगा से ऑलरेडी एग्जाम जो है दे चुके हैं रिटर्न एग्जाम 15 सितंबर को, तो अब उनकी टाइपिंग जो है होने वाली है। जो लोग रिटर्न स्किल्स को और रिटर्न टेस्ट को पास करेंगे उसके बाद उनकी स्किल्स टेस्ट की जाएगी हिंदी एंड इंग्लिश टाइपिंग में। ओके, सो आप जो है हिंदी एंड इंग्लिश टाइपिंग अगर नहीं जानते हैं या पहले से जानते हैं और आपको कुछ ऐसा टिप्स चाहिए ताकि आप हिंदी टाइपिंग और इंग्लिश टाइपिंग के स्पीड को आप इंक्रीज कर सकें, तो इस वीडियो के माध्यम से आज मैं यही चीज़ को कवर कर रहा हूँ कि आप कैसे हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग के स्पीड को इंक्रीज करेंगे। और जो लोग अगर हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग नहीं सीखे हुए हैं, लेसन कंप्लीट नहीं है, जो लोग भी मुझे दरभंगा से देख रहे हैं या दरभंगा के अदर डिस्ट्रिक्ट से देख रहे हैं लाइक समस्तीपुर, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, अररिया, बेगूसराय, ये सारे जगह से कमेंट आ रहे हैं हमारे चैनल पे कि कब होगी एग्जाम, कब होगी कंप्यूटर की लिखित परीक्षा, कब होगी टाइपिंग की परीक्षा। तो आप परीक्षा पे के डेट जब तक अनाउंस नहीं होते हैं तब तक आप अपने आप को रेडी रखें, प्रिपेयर करते रहें, लगातार जो है वो जो प्रैक्टिस कंप्यूटर के लिए और टाइपिंग के लिए करते रहें। ओके, एक आध दो मंथ में जो है सारी जगह की डिस्ट्रिक्ट की जो एग्जाम है वो होप सो हो जानी चाहिए। तो आप अपने आप को पहले प्रिपेयर करें, आप ये ना सोचें कि परीक्षा कब होगी कब नहीं होगी, वो लेट देम डिसाइड कि कब होगी, लेकिन आप अपने आप को सबसे पहले प्रिपेयर करें, हिंदी इंग्लिश टाइपिंग को सबसे पहले अच्छे से जाने, जो कंप्यूटर के स्किल्स है उसको भी अच्छे से जाने ताकि आप लिखित रिटन एग्जाम और टाइपिंग के टेस्ट को क्रैक कर सके। ओके, तो इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं बताने वाला हूँ कि हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग स्पीड को आप कैसे इंक्रीज करेंगे। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको टाइपिंग मशीन पे अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो अभी आप उसको छोड़ दें, क्योंकि आपकी जो एग्जाम होगी वो कंप्यूटर टाइपिंग के ऊपर होगी ना कि टाइपिंग मशीन के ऊपर। टाइपिंग मशीन पे आपको बस इतना ही करना है कि वहां से आपको लेसन याद कर लेने हैं। हिंदी में 6 लेसन होते हैं, वो 6 लेसन आपको याद करने हैं। इंग्लिश में 3 लेसन होते हैं, वो 3 लेसन आपको याद करने हैं। जहां तक मैं बताऊं कि और जो टाइपिंग एग्जाम है उसमें कितने स्पीड होने चाहिए, तो आपको मैं बता देता हूं कि जो दरभंगा लेवल पे हो रही है एग्जाम 22-23 के आसपास, 22-23 सितंबर में, तो ये 3-3 मिनट की होंगी और हिंदी इंग्लिश टाइपिंग 3-3 मिनट की होगी। 3 मिनट में आपको 100 वर्ड जो है टाइप करने हैं दोनों हिंदी और इंग्लिश में। तो इस तरह से अगर हम मान के चले कि अगर आपके पास 35 स्पीड हिंदी में और 40 स्पीड जो है इंग्लिश में होनी चाहिए, क्योंकि जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो आपको थोड़ा सा धीरे टाइप करने हैं, अपने एक्चुअल स्पीड से थोड़ा सा कम स्पीड रखना है ताकि गलतियां कम से कम हो। अगर आप एक्चुअल से भी ऊपर और हाई मैक्सिमम स्पीड को अगर आप अचीव करते हैं एग्जाम के दौरान, तो आप गलतियां बहुत सारा गलतियां जो है कर बैठेंगे, जो बहुत सारा जो है टाइपिंग जो है त्रुटियां हो जाएंगी। ओके, तो आपके चांसेस हो जाएंगे रिजेक्शन के। इसीलिए आपको ये मानना चाहिए कि अगर आपका स्पीड हिंदी में आपको अचीव कर लेना है कम से कम 35 और इंग्लिश में अचीव कर लेना है 40 वर्ड पर मिनट, ओके, यानी 40 के स्पीड को, ताकि आप जब एग्जाम में बैठे तो उससे 2-4 स्पीड कम रखें। मान के चलता हूं कि आप जो है इंग्लिश टाइपिंग के स्पीड को 35 पे मेंटेन करें और हिंदी के स्पीड को आप 30-32 पे मेंटेन करें। स्पीड को थोड़ा सा आपको आराम से जो है टाइपिंग स्किल्स के एग्जाम को निकालना है ताकि गलतियां कम से कम हो, जितनी कम गलतियां होंगी आप उतना पॉजिटिव बनेंगे। ओके, रिजल्ट के प्रति। सो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यह बताऊं कि अगर आप कंप्यूटर पे टाइपिंग प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर है, जैसे टाइपिंग ट्यूटर, टाइपिंग मास्टर, ये सब जो है पेड वर्जन वाले सॉफ्टवेयर है, कुछ दिन के लिए आपको ट्रायल में मिलती है, और ट्रायल में मिलती भी है तो आपको वो पर्टिकुलर मिनट नहीं मिल पाती है, 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा, या बहुत सारे आर्टिकल जो है अनलॉक होते हैं। तो मैं जो आपको रिकमेंड करूंगा इस वीडियो के माध्यम से, आप गूगल पे जाइए और डाउनलोड कीजिए सोनमा टाइपिंग एक्सपर्ट। ओके, सोनमा टाइपिंग एक्सपर्ट जो है वो बिल्कुल ही फ्री है, जिसे आप डाउनलोड करें और सेम टू सेम आपको टाइपिंग ट्यूटर और टाइपिंग मास्टर के जैसा ही आपको लगेगा। और सोनमा टाइपिंग एक्सपर्ट में लेसन्स भी हैं, अगर आप वहाँ पे हेल्प में जाते हैं तो वहाँ पे आपको लेसन्स भी मिल जाएंगी जिसके ऊपर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, तो देखिए दोस्तों, यहाँ मैं अगर मैं दिखाऊं कि गूगल में सबसे पहले आपको जो है गूगल में जाने हैं, जैसे कि अगर आप गूगल में जाएं और गूगल में जाने के बाद आपको टाइप करने हैं, यहाँ पे आपको टाइप करने हैं सोनमा टाइपिंग एक्सपर्ट। ओके, ये आपको जो है टाइप करने हैं सोनमा टाइपिंग एक्सपर्ट, ये सोनमा टाइपिंग एक्सपर्ट को आपको डाउनलोड कर लेने हैं।
सोनमा टाइपिंग एक्सपर्ट को जब आप डाउनलोड कर लेंगे, जैसा कि मैं इसको डाउनलोड कर चुका हूं, मैं यहां पे डाउनलोड करके नहीं दिखाऊंगा क्योंकि मैं ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका हूं। आपको यहां पे फ्री डाउनलोड पे क्लिक करने हैं, यहां पे देख सकते हैं प्रीव्यू ये दिखा रहा है। ओके, सो फ्री डाउनलोड पे आपको क्लिक कर लेने हैं और यहां पे आपको अल्टरनेट डाउनलोड पे जाने हैं। अल्टरनेट डाउनलोड पे आप जैसे ही जाएंगे, यहां पे जो है डाउनलोडिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। और डाउनलोडिंग प्रोसेस स्टार्ट होने के बाद आप जो है यहां पे जो है डाउनलोडिंग प्रोसेस आपको दिखानी शुरू हो जाएगी। ओके, तो मैं ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका हूं, तो आपको ये डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप अगर नहीं डाउनलोड किए हुए हैं तो इसको जरूर डाउनलोड कर ले। जैसा कि यहां पे देखिए डाउनलोडिंग जो है स्टार्ट हो गई है, यहां पे सोनमा टाइपिंग एक्सपर्ट जो है डाउनलोड हो चुकी है, सोनमा टाइपिंग एक्सपर्ट। तो मैं यहां ऑलरेडी जो है डाउनलोड कर रखा हूं, आपको बस सोनमा टाइपिंग एक्सपर्ट को इंस्टॉल करने हैं। ओके, सोनमा टाइपिंग एक्सपर्ट अगर मैं यस करूं और यहां पे एक सेटअप विजार्ड जो है लॉन्च होगी और यहां पे बस आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, सोनमा टाइपिंग एक्सपर्ट नेक्स्ट करने हैं, एक्सेप्ट करने हैं, एग्रीमेंट को नेक्स्ट करने हैं, प्रोग्राम फाइल में इंस्टॉल करना है सी ड्राइव के, नेक्स्ट नेक्स्ट और इंस्टॉल। ओके, ये बहुत ही इजी टू यूज इंटरफेस प्रोवाइड करती है सोनमा टाइपिंग एक्सपर्ट, जिसके थ्रू जो है आप टाइपिंग की प्रैक्टिस करें, हिंदी और इंग्लिश दोनों तरह की टाइपिंग आप इसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं और ये बिल्कुल ही फ्री एप्लीकेशन है। तो जैसे ही आप ये इंस्टॉल करेंगे तो ये लॉन्च हो जाएगी। ओके, मैं अगर एक बार इसको क्लोज करता हूँ और यहाँ पे फिनिश हो चुकी है इंस्टॉलेशन। और अगर आप इन विंडोज 10 इंस्टॉल यूज कर रहे हैं तो आप यहाँ पे जो है जरूर इसे, यहाँ पे लेसन्स खुल गई, अगर आप आपको ये पढ़ सकते हैं, कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट फाइल है जिसको आप देखें, यहाँ पे लेसन्स दिए हुए हैं हिंदी के लेसन्स, यहाँ कुछ शॉर्टकट की है सोनमा टाइपिंग एक्सपर्ट, शॉर्टकट की अल्ट के थ्रू। ओके, जिसे आप अपने मोबाइल में सेव कर ले। ये पीडीएफ फाइल आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से अभी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि कौन से कलर से जो है कौन सा जो है बटन आपको प्रेस करने हैं, इंग्लिश कीबोर्ड का ये लेआउट है। ओके, इसके अलावा यहाँ पे देखिए कुछ ऐसे क्राइटेरिया वगैरह यहाँ पे दिए हुए हैं कि क्या आपको ये क्राइटेरिया है। ओके, कि एक मिनट में कितना आपको जो है कितना वर्ड आप कर रहे हैं तो वो पुअर है, तो अगर आप वेरी गुड या एक्सीलेंट लेवल को अचीव करना चाहते हैं तो मोर देन 35 वर्ड पर मिनट। ओके, तो ये सब कुछ डॉक्यूमेंटेशन है जिसको आप गो थ्रू करेंगे तो आपको अपने टाइपिंग स्पीड में काफी काफी जो है हेल्प मिलने वाली है। इसको जरूर आप याद रखें कि कौन से उंगली से, कौन से फिंगर से, जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ पे ग्रीन पर्पल रेड एंड येलो, तो आप देख सकते हैं ग्रीन पर्पल रेड एंड येलो, और देन इधर से आप देखिए ग्रीन, यानी यहाँ पे आपको ग्रीन, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी ग्रीन, यानी ये दोनों जो है इस फिंगर से चलेगी, ग्रीन रेड, ग्रीन लाइट ग्रीन आप इसे बोल सकते हैं, और देन ये जो है ब्राउन कलर जो भी हो, ये आप इस तरह से यहाँ पे फिंगर को एडजस्ट कर सकते हैं और लेसन को याद कर सकते हैं कलर के अकॉर्डिंग। यहाँ पे इंडिकेशन दी जा रही है, यहाँ पे शॉर्टकट की है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हिंदी कीबोर्ड के शॉर्टकट, तो ये आपको हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, वहां से आप इस फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसको क्लोज करता हूं। ओके, और मैं आपको बताऊं तो आपको ये सोनमा टाइपिंग एक्सपर्ट जो है आपको हमारे, जैसे ही आप इंस्टॉल करेंगे आपको एक डेस्कटॉप पे आइकन मिल जाएगी सोनमा टाइपिंग एक्सपर्ट का, या अगर आप विंडोज 10 यूजर हैं तो आप सोनमा टाइपिंग एक्सपर्ट सर्च कर सकते हैं और देन इसे लॉन्च कर सकते हैं। ओके, सो वेलकम टू सोनमा टाइपिंग एक्सपर्ट, और यहाँ पे देखिए इंग्लिश टाइपिंग और देन हिंदी टाइपिंग, तो जिसे भी आप लॉन्च करना चाहते हैं उसे आप लॉन्च कर सकते हैं। सिंपली क्लिक करेंगे, यहाँ पे बस आपको एक बार नाम देने हैं, जैसे सपोज दैट सुमित कुमार, और लास्ट नेम जो भी आपका लास्ट नेम हो, ओके, सुमित कुमार, और यहाँ पे सुमित, ठीक है, और देन आपको लॉग इन करने हैं। और जो भी आपको लेसन अगर आपको याद है, लेसन यहाँ पे अगर आपको याद है तो ठीक है, और अगर आपको लेसन नहीं याद है तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन है जहां से आप लेसन को कंप्लीट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे ड्यूरेशन आप जो है सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसा कि 3 मिनट का होने वाला है तो आप 3 मिनट को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और जो भी लेसन आप जैसे करना चाहते हैं प्रैक्टिस, उस लेसन को जो है आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और यहाँ पे स्टार्ट टेस्ट को आप लॉन्च करेंगे और देन यहाँ पे आप जो है टाइपिंग करते चले जाएंगे, जैसा कि मैं आपको करके दिखा रहा हूं। ओके, सी बेटर, तो आपको देखिए जैसे ही स्पेस नहीं लेना है, स्पेस लेने से पहले ही आपको वो चीज इंप्रूव कर लेने हैं। ओके, हबल देन विथ एनी टेलीस्कोप, देखिए स्पेस के बाद अगर आप ले लेते हैं तो आप उस चीज को नहीं मिटा पाएंगे। ओके, सो यहां पे स्पेस लेने से पहले आप उस वर्ड को करेक्ट कर ले, और टेलीस्कोप देखिए जैसा कि मैंने इसको किया, ऑन द ग्राउंड
विकाउच, इस तरह से आपको टाइपिंग करते चले जाने हैं। फिलहाल मैं इसको पॉज कर रहा हूँ। ओके, अगर आपको रिज्यूम करना है तो आप रिज्यूम कर सकते हैं, मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ। तो यहाँ पे 3 मिनट की टाइपिंग जो है वो चलती रहेंगी और बाद में जो है रिजल्ट लेके आएंगी कि आपका जो है कितना स्पीड है। ओके, तो इस तरह से जो है सोनमा टाइपिंग एक्सपर्ट को आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं, जान सकते हैं, समझ सकते हैं, उस पर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कुछ टाइपिंग के सॉफ्टवेयर के बारे में बताया। मेरी अगली वीडियो जरूर इस आई बटन पर क्लिक करके देखिए और ये जानिए कि इस आई बटन के क्लिक के द्वारा आप ये जान सकते हैं कि अपनी टाइपिंग स्पीड को कैसे इंक्रीज करें। नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।